गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 फ्रॉम एक्सरसाइज 14 चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस फ्रॉम आरएस अग्रवाल फॉर क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, शो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक टावर है, क्लियर स्टूडेंट, ये हमने टावर ड्रॉ कर लिया है, क्लियर है। ठीक है, देखिए टावर से, ये टावर का फुट है, ठीक, इससे 4 मीटर और 9 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है ना। देखिए सपोज कर लिया ये 4 है, ठीक है ना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 9 है। ठीक, इसको मीट करा देते हैं, ठीक, और इसको मीट करा दीजिए, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक लेकर 4 मीटर है और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितना है, 9 है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, इनसे जो एंगल बन रहा है यानी 4 मीटर के टावर से, टावर का जो बेस है ये है, इससे 4 मीटर के डिस्टेंस पे जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल है जो कि 9 मीटर से बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मीन्स अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को, ठीक है, 90 माइनस थीटा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए हमें क्या प्रूव करना है, शो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर्स। हाइट हम सपोज कर लेते हैं h है, ठीक है ना, नेमिंग कर दीजिए m n o p। ठीक, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो पी ओ एन दूसरा पी ओ एम। लेट अस टेक द फर्स्ट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी ओ एन, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स ओ पी अपॉन ओ एन। ठीक, टेन थीटा इज इक्वल टू ओ पी, हमने एच सपोज किया है, ओ एन 4 है, तो देखिए एच की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 tan थीटा। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में आइए, इन ट्राइंगल पी ओ एम, ठीक, क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ओ पी अपॉन ओ एम। स्टूडेंट वी नो दैट टेन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू OP हमारा H है अपॉन OM, OM हमारा स्टूडेंट दिया हुआ है 9, तो हम यहाँ पे OM ना लिख करके हम 9 लिख देंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, H की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 cot थीटा, क्या हो जाएगा, 9 cot थीटा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें प्रूव करना है कि टावर का जो हाइट है वो 6 मीटर है। अब हमको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई 1 एंड 2, मल्टीप्लाई 1 एंड 2 कर दीजिए मल्टीप्लाई, देखिए क्या हो जाएगा, h इंटू h इज इक्वल टू 4 tan थीटा इंटू 9 cot थीटा, क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 9 36 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक, क्या हो जाएगा, टेन थीटा, कॉट थीटा इज 1 अपॉन टेन थीटा, तो हम ऐसे कर देंगे, ठीक, कैंसिल, एच स्क्वायर क्या आ गया, 36। अब क्या करेंगे, देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए देखिए एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 36 स्क्वायर रूट ले लेंगे,
तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस सिक्स, दो वैल्यू आएगी। लेकिन स्टूडेंट हमें हाइट क्या निगेटिव हो सकता है, नहीं, तो क्या हो जाएगा, देयर फोर हाइट कितना आ जाएगा, 6 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर कितना आ गया, हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट। देखिए हमने क्या क्या यूज़ किया यहाँ पे, देखिए टेन 90 माइनस थीटा, ये हमारा होता है कॉट थीटा, ठीक, और क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, बस इन्हीं दो चीज़ों का हमने यूज़ किया है स्टूडेंट, ठीक है ना, ये दो चीज़ हमने यूज़ किया है। बाकी की चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिक है और इजी है, आप इजीली समझ सकते हैं, क्लियर है। अब स्टूडेंट आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए क्या है, अ लैडर ऑफ लेंथ 6 मीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द फ्लोर व्हाइल लीनिंग अगेंस्ट वन वॉल, ठीक है ना, एक लैडर है, ठीक है ना, ये वॉल पे लीन कर रहा है और फ्लोर से कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का, तो ये हमने इसको बना दिया है 45 डिग्री, ठीक है ना, ये मेरा लैडर है, ये फ्लोर है, तो एंगल 45 डिग्री पे बना रहा है, ये वॉल है मेरा, ठीक। अब क्या बोल रहा है, इफ़ द फुट ऑफ द लैडर इज केप्ट फिक्स्ड, यानी ये लैडर का फुट है यानी ये फिक्स है, ठीक, एंड इज मेड टू लीन अगेंस्ट द ऑपोजिट वॉल, एक वॉल ये, इसका ऑपोजिट वॉल किस तरफ होगा, इधर होगा, तो इधर एंगल बना रहा है, ठीक है ना, देखिए क्या हो जाएगा, ये पॉइंट है स्टूडेंट मेरा, तो ये इस बार जो एंगल वो बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है लैडर, ठीक, तो आइए, ठीक है ना, ये मेरा पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट है। देखिए लैडर का जो लेंथ है वो कितना है, 6 मीटर, सेम लैडर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, क्लियर, कोई चेंज नहीं है, ठीक, ये एंगल मेरा 90 है। अब देखिए क्या है, एम एन ओ, ठीक है ना, एम एन ओ, ठीक है ना, अब इसको नाम कर देते हैं के, इसको कोई नाम दे दीजिए टी, ठीक, ये ऐसे, चलिए अब देखिए क्या करना है स्टूडेंट, हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स, यानी एन और के निकालना है, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, देखिए इन ट्राइंगल एम एन ओ, देखिए एम एन और ओ, ठीक, इस बार ये एंगल जो कितना बना था, 60 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे टेन 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एम एन अपॉन ओ एन, टेन 60 को रूट थ्री, एम एन 6 अपॉन ओ एन, ठीक, तो देखिए ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, चलिए देखिए 1060 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन स्टूडेंट ध्यान, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हमें परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन को टैन को यूज़ करने से हमें कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो इसको लिखा रहने दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम दूसरा यूज़ करते हैं, हम कॉस लेते हैं, क्या यूज़ करते हैं, कॉस, तो यहाँ से फिर से देखिए इन ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा टेन 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ना तो हमें परपेंडिकुलर दिया है ना तो बेस दिया है, तो इसको हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये गलत नहीं, इसको लिखा रहने दीजिए, ठीक है ना, देखिए अब देखिए सेम ट्राइंगल में इन ट्राइंगल एम एन ओ हम क्या यूज़ करने जा रहे हैं, इसमें ध्यान से देखिएगा, कॉस 60 डिग्री, क्या यूज़ करेंगे, कॉस
60 डिग्री। अब इससे हमको बेनिफिट मिलने जा रहा है, देखिए कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस मेरा ओ एन है, हाइपोटेनियस है ओ एम, तो रख दीजिए ओ एम फटाफट। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ओ एन मेरा 6 दिया हुआ है, ओ एन मेरा नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है ना, ओ एम दिया है 6 रख दीजिए, ओ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 × 6 करेंगे 6/2 कितना आ गया स्टूडेंट 3, यानी देखिए मेरा ओ एन क्या आ गया 3 आ गया है, कोई प्रॉब्लम, ये मीटर में है तो ये भी किस में आ जाएगा मीटर में हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल में आते हैं टी के ओ, देखिए इन ट्रायंगल टी के ओ, अब स्टूडेंट देखिए इसमें भी हमको बेस पता लगाना है और हाइपोटेनियस दिया है, फिर से कॉस यूज करेंगे तो कॉस 45 डिग्री, क्या कॉस 45 डिग्री, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये तो हमारा बेस है और हाइपोटेनियस 6 है, लग दीजिए 6, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इज इक्वल टू ओ के अपॉन 6, हमें ये निकालना है, देखिए क्या हो जाएगा 6/√2, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर आइए, अब क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट मेरा निकल करके क्या आया है, ओ के इज इक्वल टू 6/√2, ठीक, आप क्या करेंगे देखिए ये रूट टू है, इसको रेशनलाइज कर दें, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड, क्या हो जाएगा 6√2/√2 × √2 √4 और √4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 6√2/2, 2 × 2 × 2 × 3 = 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा 3√2, क्या हो गया स्टूडेंट 3√2 आ गया है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स, तो क्या देखिए कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स यानी दो दीवार के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है ना, इसको कर दीजिए वॉल्स, क्या आ जाएगा देखिए ये हमारा हो जाएगा एनओ प्लस ओके, क्या हो जाएगा एनओ प्लस ओके, ठीक, देखिए एनओ की वैल्यू स्टूडेंट आपने देखा हमने निकाला है 3, तो हम यहाँ पे 3 रख देंगे प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3√2, ठीक 3√2, चलिए 3 + 3 × 2, रूट टू का वैल्यू होता है 1.414, ठीक 3 + देखिए 3 × 4 = 12, ठीक है 3 × 1 = 3 × 4, 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3 × 4 कितना आ गया 3 + 4.242, कितना आ गया 437.242, क्लियर स्टूडेंट, क्लियर स्टूडेंट। अगर हम डेसिमल के टू प्लेस तक अप्रॉक्स लिखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा देखिए 7.24 मीटर, ठीक है, यानी जो दो वॉल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 7.24 मीटर है, क्लियर है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए आइए फटाफट देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द बेस ऑफ द टावर एट एन इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, कार के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, चलिए फिगर बना लेते हैं, ये टावर है ठीक, ठीक है बना लिया मैंने, ठीक
देखिए टावर का टॉप ये है, तो यहाँ से जब नीचे की तरफ देखेंगे तो मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से ही बनता है, ठीक है ना। तो दो कार्स हैं, किसी इंस्टेंट पे उनका एंगल 45 डिग्री होता है। तो देखिए स्टूडेंट, जितना हम टावर के पास जाएंगे हमारा एंगल बढ़ता चला जाएगा, और जितना दूर रहेंगे उतना एंगल कम होगा। तो देखिए 45 डिग्री ये कम, ये एंगल मेरा 60 से कम है। तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये एंगल कितना हो जाएगा 45, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, कर दिया हमने 45 डिग्री। फिर क्या है सेकेंड इंस्टेंट पे क्या है 60 डिग्री, यानी अब हम इसके पास जा रहे हैं टावर के। तो सपोज कर लीजिए ये पॉइंट है, तो ये एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो गया, ठीक। लेकिन फ्रेंड ये देखिए 60 आया कहाँ से, ये तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पहला दिया हुआ था जो कि 45 है, और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरा ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल, तो ये जो एंगल है पूरा ये कितना है 60 डिग्री है। तो जब ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 है। अच्छा ये 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक, तो ये कितना है 45, क्यों, क्योंकि ये लाइन मेरा इसके क्या होता है पैरेलल है, जब पैरेलल है तो ये इसका ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है ना। तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से ये हमारा एंगल 45 और 60 हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए नेमिंग कर दीजिए पी क्यू आर, और सपोज कर लीजिए ये पॉइंट मेरा एस है, ठीक है ना, ये एंगल मेरा 90 है, कोई प्रॉब्लम। एक चीज़ और देख लें स्टूडेंट, कार के बीच का डिस्टेंस कितना है, इफ़ द कार्स आर 100 मीटर अपार्ट, इट मींस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास दो फिगर बन रहा है, एक तो एस आर क्यू है, दूसरा एस है आर है और पी है। देखिए हमें देखिए निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर हमको ये निकालना है। हम सपोज कर लेते हैं टावर की हाइट एच है, टावर की हाइट एच है, ठीक, इन ट्राइंगल एस आर क्यू, एस आर क्यू, ठीक। हम यूज़ करने जा रहे हैं स्टूडेंट टेन 60 डिग्री, क्या यूज़ करने जा रहे हैं टेन 60 डिग्री, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर एस आर अपॉन बेस क्यू आर, ठीक। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री, रख दिया हमने रूट थ्री, एस आर को हमने एच सपोज किया है, क्यू आर मेरा क्यू आर ही है, ठीक है ना। तो देखिए हाइट एच क्या हो गया यहाँ पे क्या आ गया है रूट थ्री इंटू क्यू आर, ठीक ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए यहाँ से अगर आप, चलिए इसको रहने दीजिए फर्स्ट मान लीजिए, ठीक ना, चलिए फटाफट इसमें आते हैं, इन ट्राइंगल एस आर पी, इन ट्राइंगल एस आर पी, फिर से ध्यान देख लीजिए एस आर पी, ठीक है ना, टेन 45 डिग्री क्या हो गया टेन 45 डिग्री क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है पी आर है, रख दिया है, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, एस आर अपॉन पी आर, ठीक, 1 इंटू पी आर करेंगे पी आर आ जाएगा, पी आर इज इक्वल टू एस आर, इसका मतलब ये पूरा डिस्टेंस और ये जो हाइट है दोनों क्या हो जाएगा स्टूडेंट इक्वल है। अब देखिए पी आर को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, चलिए मान लेते हैं सेकेंड है, पी आर के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू एस आर, ठीक। देखिए क्या है पी क्यू क्या है मेरा 100 दिया हुआ है 100 रख दीजिए, क्यू आर, क्यू आर मुझे पता ही नहीं है, ठीक है ना, एस आर कितना है एच है, क्या है एच, ठीक। तो स्टूडेंट अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, चलिए ये मेरा सेकंड इक्वेशन ही है, ठीक है ना, सेकंड ही है, देखिए चलिए इसको हटा के आप यहीं कर दीजिए सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। देखिए फ्रॉम वन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से देखिए फ्रॉम वन जो मेरा क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच, ये रूट थ्री डिवाइड में गया एच अपॉन अंडर रूट थ्री,
क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, एच अपॉन अंडर रूट थ्री। अब ये एच अपॉन अंडर रूट थ्री हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं, एच अपॉन रूट थ्री यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, देखिए क्या मिल जाएगा। ठीक है ना, देखिए मेरा जो इक्वेशन आया है स्टूडेंट वो क्या आया है, देखिए 100 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू एच, इतना आया हुआ है। और देखिए हमें क्यू आर की वैल्यू जो मिली है स्टूडेंट वो मिला है एच अपॉन रूट थ्री, एच अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू एच, ठीक ये मिला हुआ है। देखिए क्या कर सकते हैं, 100 इज इक्वल टू एच, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एच अपॉन रूट थ्री। ठीक अब क्या करेंगे, देखिए इट्स स्टूडेंट एच हम कॉमन ले लेंगे, क्या मिल जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन रूट थ्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक इसको रहने दीजिए, रूट थ्री एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और रूट थ्री माइनस ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल 1 और 1 इंटू 1 करेंगे 1 आ गया, ये 100 हो गया। ठीक 100 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100 रूट थ्री इज इक्वल टू एच और साथ में रूट थ्री माइनस 1। ठीक तो हाइट क्या आ गई स्टूडेंट, देखिए 100 रूट थ्री अपॉन रूट थ्री माइनस 1। ठीक आप क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए ये मेरा रूट थ्री माइनस 1 है, इसको हम थोड़ा सा इजी करने के लिए इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, तो क्या होगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, चलिए फटाफट रेशनलाइज कर देते हैं। देखिए हमको क्या मिल जाएगा, एच इज इक्वल टू 100 रूट थ्री अपॉन रूट थ्री माइनस 1, रूट थ्री माइनस 1 ये लिख दिया है। ठीक और साथ में रूट थ्री प्लस 1 और रूट थ्री प्लस 1 क्या हो गया, देखिए एच इज इक्वल टू 100 रूट थ्री ब्रैकेट के अंदर रूट थ्री प्लस 1। देखिए क्या लिखा है, ए माइनस बी ए प्लस बी यानी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्लियर। तो देखिए एच इज इक्वल टू क्या हो गया, आया क्या था मेरा 100 रूट थ्री अपॉन रूट थ्री प्लस 1 और क्या आया है रूट थ्री का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक ये कहाँ से आया है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक कर दीजिए फटाफट, देखिए एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 रूट थ्री साथ में रूट थ्री प्लस 1। ठीक देखिए डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर है तो ये सिंपली 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, एच इज इक्वल टू क्या आ गया 100 रूट थ्री और ब्रैकेट के अंदर रूट थ्री प्लस 1 ये 2 हो गया। ठीक 3 माइनस 1 2, 2 वन जै 2 और ये 50 टाइम्स, तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो गया 50 रूट थ्री ब्रैकेट के अंदर रूट थ्री प्लस 1। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 रूट थ्री इंटू रूट थ्री करेंगे तो अंदर आ जाएगा 50 इंटू थ्री, इसमें लेके जाएंगे क्या हो जाएगा 50 रूट थ्री। ठीक तो स्टूडेंट देखिए हाइट कितना आ गया 300 35 15 प्लस 50 रूट थ्री क्या हो जाएगा 50 इंटू 1.732। ठीक है ना 50 इंटू 1.732 चलिए देखिए स्टूडेंट इसमें क्या है, देखिए ये तो आपका आ गया है 150 प्लस 50 इंटू 1.732 करेंगे स्टूडेंट आपको मिल जाएगा 86.6, क्लियर है। अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा
पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखेंगे तो ये पॉइंट सिक्स आ गया, सिक्स हो गया, एट फाइव थर्टीन कैरी वन, तो ये हो गया 236.6 मीटर। तो स्टूडेंट यही मेरा टावर की हाइट है, टावर हाइट और हाइट ऑफ द टावर विच इज इक्वल टू 236.6 मीटर। टावर की हाइट कितनी स्टूडेंट 236.6 मीटर, क्लियर है। लेकिन स्टूडेंट आप जो आर एस अग्रवाल में बुक में देखेंगे तो आपको आ रहा है 136.6 मीटर। आइए चलिए एक चीज़ इसमें और देख लेते हैं कि आखिर ये 136.6 मीटर है क्यों, उसमें ऐसा आंसर क्यों दिया है जबकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाइट ऑफ द टावर, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए आइए देखिए, स्टूडेंट देखिए हमने आपको इक्वेशन फर्स्ट में बताया था एच इज इक्वल टू रूट थ्री क्यू आर, ठीक है ना। तो देखिए क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एच अपॉन रूट थ्री, ठीक है ना। टावर की हाइट अभी आपने निकाला 236.6, ठीक है ना, और रूट थ्री की वैल्यू क्या होती 1.732, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। चलिए आइए देखिए, चलिए देखिए तो स्टूडेंट देखिए क्यू आर हमारा जो आ गया है वो आ गया है 136.6 मीटर, ठीक है ना। तो आपका जो क्वेश्चन में दिया गया है स्टूडेंट वो आपको ये दिया हुआ है, जो क्यू आर यहाँ पे निकला है 136.6 मीटर, ठीक है ना। और जबकि हमें जो एक्चुअल टावर का हाइट निकालना था वो कितना है, वो आपका है 236.6 मीटर, क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जबकि ये हमें नहीं निकालना है स्टूडेंट, हमें जो टावर की हाइट निकालना है जो हमने आपको निकाल के दिखा दिया है, क्लियर है। अब इससे आगे का जो भी प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन ऑल द स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।